हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। नमस्ते, बोंजूर, कोमे आलेवू, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है। वीजा अपॉइंटमेंट में देरी और गतिरोध के बावजूद भारतीयों ने पिछले साल लंदन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली जैसे अपने पसंदीदा यूरोपीय गंतव्यों की बड़ी संख्या में यात्रा की। रेल टिकटिंग कंपनी के अनुसार 2023 में भारत रेल यूरोप के लिए 90 साल के इतिहास में पहली बार दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि यूरोप एक मोस्ट सॉर्टेड डेस्टिनेशन है। यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूरोपियन यूनियन ने शेंगेन वीजा चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक नई वीजा कैस्केड की व्यवस्था शुरू की है। ये लंबी अवधि के साथ एक से ज्यादा बार प्रवेश की इजाजत देता है। अप्रैल 2024 से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और अब ये भारतीय ट्रैवलर्स को फेवर करेगी। नए नियम के तहत अगर भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने पिछले 3 वर्षों के अंदर कानूनी रूप से 2 वीजा प्राप्त करके उनका उपयोग किया है तो उन्हें 2 वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वाला शेंगेन वीजा दिया जा सकता है। ये वीजा शुरुआत में 2 साल के लिए होगा, इसके बाद इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि पासपोर्ट अगले 5 वर्षों के लिए वैध हो। नया वीजा मिलने के बाद यात्री 90 दिनों तक के एक छोटे प्रवास के लिए शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि अगली बार फिर यूरोप में आने के लिए 180 दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी सुविधा यह है कि बार बार वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं कि एक शेंगेन वीजा से आप 29 देश घूम सकते हैं? शेंगेन एरिया में यूरोपियन यूनियन के 25 देशों को मिलाकर टोटल 29 देश शामिल हैं। यानी एक ही वीजा के जरिए इन देशों में जाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोप के संबंध बढ़े हैं और पिछले कुछ वर्षों से यूरोप भारत को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है। वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव यूरोपियन यूनियन के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत के महत्व को दिखाती है। इसके अलावा इससे दोनों के बीच गहरे होते संबंध भी दिखते हैं। हालांकि ये शेंगेन वीजा इस क्षेत्र में यात्रा की इजाजत देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं मिल सकता। इस कारण से शेंगेन एरिया में अपने प्रवास को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे ही यूरोपियन यूनियन इस नई व्यवस्था को लागू करता है, भारतीयों को यूरोप की यात्रा करना आसान हो जाएगा। एक सवाल सबके मन में आ सकता है कि वीजा प्राप्त करने में कितना समय लगता है। पहले वीजा प्राप्त करने में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता था कि आप यूरोपियन यूनियन में किस स्थान में जाना चाहते हैं। जबकि कुछ देशों ने अपनी प्रक्रिया लगभग 15 दिनों में पूरी कर ली, अन्य एम्बेसीज को वीजा प्रक्रिया में 30 से 60 दिन तक लग सकते हैं। यात्रियों को अपनी यात्रा से कम 15 दिन पहले अपनी नजदीकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट या फिर देश की एम्बेसी द्वारा नॉमिनेटेड प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आपको वीजा अप्लाई करना होता है।
इंडियन वीजा को लेकर आपके अन्य कोई और सवाल हैं तो आप हमें यहाँ पूछ सकते हैं। कंट्री साइड ट्रैवल के साथ यात्रा करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स को।